जय लोड़ी माता की दोस्तों। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं फिर से लोड़ी माता के मंदिर पर। तो आज भी संडे और आज भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो आज हम पूछने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि बाहर से लोग बाग आते हैं और अपनी दुकान वगैरह लगाते हैं, तो उनसे कुछ पूछेंगे कितना क्या आमदनी हो जाती है उनकी या नहीं होती, क्या फ़ायदा है उनको लगाने से। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, वो अपनी दुकानदारी में लगे हुए हैं। भैया कहाँ से हो आप? मगरौनी। मगरौनी से? यही पास से ही हो आपको? पास से ही हो? कब से लगा रहे हो आप ये दुकान? लोड़ी माता पे कब से लगा रहे हो? जी महीने चलो जब मतलब जी महीना से स्टार्ट हुआ हो? नए आए हो मतलब लोड़ी माता पर? बहुत साल हो गए मुझे लगा। बहुत पहले से लगा रहे हो? कितने साल हो गए? दो तीन साल हो गए। दो तीन साल? तो मतलब यहाँ पे आपको कितना क्या मिल जाता है? 1000 मिल जाए। मतलब निकल आता है आपका खर्चा पानी? जैसे कि दोस्तों ये भैया का तो खैर अच्छा खासा चल जाता है, और भी है यहाँ पे, तो अंदर चलते हैं हम और पूछते हैं भैया से, जो ज़्यादातर बेंट वाले रहते हैं, तो बेंट वालों का क्या क्या रहता है। तो आइए हम चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा, जो कि बहुत सारे बेंट वाले बैठे रहते हैं, जो कि बेंट बजाते हैं मतलब भांगड़ा टाइप का। तो इनसे भी पूछते हैं, दादाजी कहाँ के हो आप? यही के है। सीढ़ी पहले नीचे खींचो। कहाँ के हो आप बताओ? नरवर के ही है। नरवर की हो? मतलब आप यहाँ पे ये किस लिए रखते हो? लोड़ी मैया का ढोल बजाते हैं। मतलब कैसा कैसा बजाते मैया के दरबार में? हम तो चाकर बाबर हैं। चाकर बाबर? चाकर है। मैया का ढोल बजाते हैं। तो मतलब ये ढोल बजाते हो, उसका कुछ लेते हो या कुछ जो खुशी से दे दे? खुशी से दे या सही है? खुशी से दे या वो रख लेते? हाँ वो रख लेते हैं। और कोई? और कुछ नहीं। कुछ विशेषता बताओ? नहीं कोई विशेषता, कोई से लेना देना है? हाँ यही है, बस यही है। अच्छा, तो ये भैया और हैं, तो इनसे भी पूछते हैं इनकी भाषा में, ये क्या बताते हैं भैया, आप बताइए कुछ। हाँ भैया, हमारा कहने का मतलब यह है, हम यहाँ नरवर के रहने वाले हैं, अपने छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनकी खातिर अपने ये काम करते हैं, मेहनत मजदूरी एक तरह की, वो जो कोई दे जाता है उसको ले लेते हैं। मतलब खुशी से जो दे देता है आप वो रख लेते हो? तो मतलब जैसे कि ये यही दुआ करते हैं कि माता रानी सबकी हर मनोकामना पूरी करे, सबको खुश रखे, इसके बाद में हमें। तो जैसे ये बजाते हैं तो किस मकसद से आप मतलब बजाते हैं? इस मकसद से बजाते हैं कि लोड़ी माता जो धागे पर नच के आई थी, तो वो ढोल के साथ में नच के आई थी, तो इसलिए आप मतलब उनका दोनों का जोड़ा है, ये ढोल बज जाता है तो माता रानी की पूजा अवश्य पूरी। जैसे बताते हैं कहानी के अनुसार, ठाकुर जो ठाकुर थे तो उन्होंने ढोल बजाया था, तो उसके बाद मतलब उन्होंने ढोल बजाया था, तो उनको भाई बना, उन्होंने ढोल बजाया था, इसलिए आप मतलब वही जैसे कि उसी का ढोल बज रहा है, तो उसमें माता रानी प्रसन्न हो जाती है। जो पूजा देने आते हैं तो वो कुछ पूजा नहीं कर पाते, जो इससे प्रसन्न हो जाते हैं, लोड़ी माता के प्रसन्न करने के लिए आप जो उसका बहन भाई का जोड़ा है। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा, बहुत से लोग आते हैं और इग्नोर करके चले जाते हैं, मतलब बिना देखे चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मतलब देखना ध्यान से, अगर आप में किसी में जो भक्तानी आती है, साथ में लोड़ी माता आती है, तो आप यहाँ पे इनको चढ़ोतरी देके जरूर जाएं, क्योंकि ये भी अपना घर परिवार छोड़ के आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब आपके लिए, यानी कि आप जैसे बेंट बाजा ढूंढोगे कहीं और जाओगे, और जैसे कि भैया कोई जैसे कि बेंट बाजा करना चाहे तो आप करना चाहे तो हो जाते हैं, आप चले जाते हो? हम चले जाते हैं। तो जैसे कि ये भैया मतलब जैसे आप आते हो और बेंट बाजा की आपको प्रॉब्लम है, तो आप इनसे आके यहाँ पे संपर्क करके आप ले जा सकते हो, तो आपके साथ बेंट बाजा लेके यहाँ तक आ जाएंगे। तो चलिए हम और अंदर चलते हैं और आपको और मिलवाते हैं।